हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? तो ये व्लॉग ना थोड़ा सा लेट हो रहा है आप लोगों तक पहुंचने में, क्योंकि थोड़ा सा ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गई थी, थक गई थी व्रत की वजह से, लगातार कंटिन्यू नहीं थे ना इस वजह से। और ये वीडियो जो है ना, ये मेरे हस्बैंड और कार्तिक ने रात को बनाई थी, 12 बजे, लगभग 12 बजे करीब बनाई थी। तब मैं सो चुकी थी और मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि मैं तो सो गई, मैं 10 ही बजे सो गई थी आज, तो ये दोनों नहीं सोए थे। और तो ये लोग कह रहे थे, वैसे कार्तिक कह ही रहा था कि मैं गणेश जी देखूँगा जब अपने यहाँ के गणेश जी आएंगे। तो बस थोड़ा बहुत ब्लॉग मेरे हस्बैंड ने बनाया, शूट किया, मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगेगा। और प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा उनको मोटिवेट कीजिए, बस सीख रहे हैं अभी, इतना अच्छे से तो बनाते नहीं हैं, लेकिन हाँ आ जाएगा, क्योंकि इंसान सीख कर थोड़ी आता है, आप तो जानते ही हो, सब कुछ यहीं सीखना पड़ता है। तो काफ़ी रात हो गई थी और देखिए ये लोग वेट कर रहे थे गणेश जी का, और यहाँ पर चल रही थी सजावट गणेश जी की। तो फ्रेंड्स, अभी मूर्ति आने वाली है और ऐसे ही काफ़ी मतलब हर उल्लास के साथ हमारे यहाँ गणेश उत्सव मनाया जाता है। ये देखिए किस तरह से हमारे यहाँ चारों तरफ सजावट हो रही है। तो ये फ्रेंड हमारा सब्सक्राइबर मिल गया रास्ते में, तो बोल रहा है कि मेरे साथ भी एक वीडियो ले लो। ये कहीं लगता है आग लग गई है फ्रेंड, रेड भी जा रही है। हेलो, तो देखिए यहाँ पर फाइनली गणेश जी आ गए हैं। और ये लोग बता रहे थे कार्तिक 12:30 बजे लगभग गणेश जी आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तो काफ़ी रौनक लगी हुई थी। अभी तो ऐसे गणेश जी रखे हुए हैं और ऐसे त्यौहार पावन और ये सब रहते हैं ना, तो रात रात नहीं लगती है, एकदम जगमगाती रहती है, इतना अच्छा लगता है माहौल, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इतनी रात तक ये लोग जाग रहे थे, और देखिए इस बार गणेश जी अपने पापा के साथ आए हैं, क्योंकि हर बार दोनों के साथ आते हैं, माँ पापा के साथ हमारे साइड, मतलब हर साल थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन इस बार अपने पापा के साथ आए हैं। तो बहुत अच्छी मूर्ति थी, आप लोग बताइएगा कैसे लगे। और काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने तो अभी तक नहीं देखी, जाकर सुबह हो गई, सुबह से रात हो गई, दूसरा दिन हो गया, तब जाके मैंने देखी। तो मतलब ऐसे सामने से, ऐसे तो मैं वीडियो में देख ही रही थी कि हाँ काफ़ी अच्छी मूर्ति लगी मुझे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, तो फिर मैंने सामने से जाके ना कल देखी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और मैं उठ गई थी, तो नींद बहुत अच्छी आ गई थी 10 बजे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मेरा सिर इतना भारी भारी लग रहा था, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक तो तीज वाले दिन सोई नहीं थी, तो फिर लगता है ना एक दिन की नींद कई दिनों तक सताती है, ऐसा रहता है, तो ना वही 2-3 दिनों तक मैं ऐसी रही। तो ये लगभग 2-3 दिन हो गए थे तीज के बाद का। तो फिर उसके बाद ना मैं उठी फटाफट से, मैंने पूजा वूजा की, नहाया धोया, घर का काम किया, पूजा की, भगवान जी को प्रसाद जो है वो चढ़ाया। तो मैंने यहाँ पर पूड़ी बना ली थी गरम गरम, और दूध में मैंने मलिदा बनाकर पहले भगवान जी को भोग लगाया, फिर उसके बाद मैं यही प्रसाद खाऊंगी, फिर उसके बाद अपना खाना खाऊंगी। तो ना बस खाना मेरा रेडी हो गया आज काफ़ी जल्दी, मैंने खाना बना लिया था सुबह उठ के, जल्दी उठ गई थी ना तो फटाफट से काम हो गया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ सेक ली, थोड़ी सी दाल है, और मैंने बनाई है आज कढ़ी चावल बनाई है, काफ़ी दिनों बाद कढ़ी बनी है, तो मैं तो खाऊंगी,
क्योंकि अभी मुझे मना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी तो खाऊंगी। देखकर इतनी इच्छा हो रही थी ना, ऐसा लग रहा था अभी खा लो, लेकिन फिर मैं थोड़ी देर से अभी खाऊंगी खाना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और खाना पीना मेरा बन गया, पूजा भी हो गई अभी जस्ट सुबह सुबह, और खाना सुबह जल्दी ही बना लिया था। और आज मुझे लगता है दो ढाई महीने में कढ़ी बनाई है। लास्ट टाइम जब बनाई होगी ना, उसके बाद से अब बना रही हूँ, तो कढ़ी भी बन गई। कढ़ी चावल और पूड़ी बनाई है मैंने। और कार्तिक चला गया है अपना एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके टाइम तक बन गया था खाना, और वो भी खा कर गया है। कार्तिक भी अच्छे से कढ़ी चावल जो है ना, वो खा के गया है। तो बस मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, आधा घंटा बचा आने के लिए। 12 बजने वाले हैं, अभी नहीं बजे हैं, तो बस वो आने वाले हैं, फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। और बस अभी सुबह सुबह ना मौसम बहुत अच्छा भी है, खुला खुला है, लेकिन थोड़ा सा ना बारिश वाला भी बन रहा है। कल तो हुई थी बारिश। ये देखिए मौसम, और ये फूल, इस पे नज़र पड़ जाती है ना तो सोचती हैं आप लोगों को दिखा दी। देखिए कैसा हो रहा है, फूल खिल रहे हैं लेकिन इकट्ठे ना, कोई कोई अच्छे हो रहे हैं, कोई सूख से रहे हैं, ऐसा वाला इसका काम हो रहा है। तो अच्छे से ना खिल नहीं पा रहे। और मौसम देखिए कितना काला बादल है, और इस तरफ खुला, आधे में पानी है और आधे में धूप है। और ये रहा मेरा प्रसाद, पहले मैं जो भगवान जी को मैंने भोग लगाया है पूड़ी और दूध का, तो वो है, और एक लड्डू है जो कल मैंने चढ़ाया था। तो बस यहाँ पर मैं प्रसाद मैंने खा लिया है, उसके बाद अब मैं खाना निकालूँगी अपने लिए। कार्तिक की थाली मैं ले लूँगी, क्योंकि कार्तिक आज सुबह से पता नहीं क्यों ठीक से खाना खाकर नहीं गया है, जबकि उसको कढ़ी इतनी ज़्यादा पसंद है, लेकिन खा के इसलिए भी नहीं गया क्योंकि वो सुबह सुबह खाता नहीं है इतनी जल्दी। और 10 बजे मैं उसको खाना दे देती हूँ, क्योंकि 10:30 बजे वो एग्ज़ाम देने के लिए निकल जाता है। तो फिर उसने छोड़ दिया था, तो मैंने सोचा चलो उसी की थाली में खा लेती हूँ। और जब भी वो छोड़ देता है तो मैं खा ही लेती हूँ उसका। तो यहाँ पर मैं खाना जो है अपने लिए निकाल रही हूँ, कढ़ी चावल। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे पर वो अभी नहीं खाएंगे, आप देख रहे होंगे कि विंडो पे दिख रहे हैं, तो वो कह रहे थे मैं अभी नहीं खाऊंगा। मेरे को बोल दिए थे तू खा ले, क्योंकि 2 दिन से व्रत है, तो इसलिए मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। और फिर उसके बाद हम करेंगे कार्तिक का वेट, क्योंकि आज बहुत बहुत ही ज़्यादा मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कार्तिक के गणेश जी देखने के लिए। आप लोगों को आज मैं दिखाऊंगी। आप लोगों को अच्छे से अगर ध्यान होगा इस वीडियो में आप लोगों से बताया था मैंने, या फिर इस वाले चैनल में बताया था या फिर उस वाले में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैंने ये बताया था कि कार्तिक ने गणेश जी बनाए हैं स्कूल में, सब बच्चों ने बनाए थे। तो ये एक मतलब वो हुआ था गणेश जी बनाने का, मतलब क्या कहते हैं, तो वो बनाए हैं, तो वही कार्तिक के। जी तू ना बनाया, वाह कितने अच्छे गणेश जी बनाए कार्तिक ने, है ना? कौन सा नंबर लगा? नंबर नहीं लगा, किसी का नंबर। अच्छे लग रहे, किसी का नंबर नहीं लगा, मतलब का है फिर? ऐसे ही बनाने। सबका देख देख के बनाया। और एक और दांत कहाँ है? तुझे वापस दे दिए, अब नहीं ले जाना पड़ेगा, ये तो ऐसे ही बनाने। टेस्ट टेस्ट थोड़ी ना।
तो देखिए कार्तिक ले आया है अपने गणेश जी, और देखिए वो लाके यहाँ पर रख रहा है मेरे मंदिर में। कह रहा मम्मी इनको भी रखेंगे यहाँ पर। तो इतने अच्छे बनाए सच में, आप लोग बताइएगा कैसे लगे कार्तिक के गणेश जी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे देखिए। तो उसने यहाँ पर बहुत अच्छे से बिठा दिया है, और कह रहा था मम्मी कुछ दिन रखे रहेंगे, मतलब वो हमेशा के लिए बोल रहा था, पर देखते हैं। और यहाँ पर कपड़े वगैरह चेंज करके कार्तिक ने दोबारा से नहा लिया, मतलब वो भूल गया था, सुबह वो नहा कर गया था, पूजा करके गया था, लेकिन उसने दोबारा अभी फिर नहा लिया और कहता है मम्मी मैं पूजा कर रहा। पता नहीं क्यों वो मतलब ये जो टाइम था ना, ये शाम होने ही वाली थी, क्योंकि लगभग 2 बजे तो आता ही है। फिर थोड़ा बहुत खाना पीना खाया, फिर उसके बाद नहा लिया, तो शाम हो ही गई थी, लगभग 3:30 4 ऐसे बज रहे थे। तो चलो उसने शाम की पूजा भी कर दी। तो यहाँ पर है ना, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही, आजकल ये टीका जो है ना वो लगाता है कार्तिक, और इतना बड़ा लगा लेगा कि पूरा फैल जाता है फिर। तो अभी है ना ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहा है वो, और पूजा भी कर दी उसने शाम की। तो चलो ये है कि बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाओ तो सीख जाते हैं, सीख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।